बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एक सिंपल रूम की सिंपल सी इस्टीमेशन कर रहे हैं। हमारे साथ ये रूम है, इस रूम की 12 फीट हाइट है, 16 फीट लेंथ है और 16 फीट विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए चूँकि ये चार दीवारें, इस कमरे में चार दीवारें हैं, एक और एक इसमें स्लेब है, तो सिंपल हम इस चार दीवारों के लिए पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम स्लेब के लिए कैलकुलेशन करेंगे। कुछ दीवारों में आपके साथ ब्रिक्स इस्तेमाल होते हैं, तो पहले इस दीवार को स्टडी कर रहे हैं। तो इस दीवार में की जो डायमेंशंस है वो ये वाला डायमेंशन है, 12 फीट हाइट है, 16 फीट लेंथ है और 9 इंच इसकी थिकनेस है। और इसमें जो ब्रिक इस्तेमाल होगा वो ये वाला ब्रिक होगा कि उसकी डायमेंशन आपके साथ 3 इंच इसके उसका जो है हाइट है, उस 9 इंच इसकी लेंथ है और 4.5 इंच इसकी विड्थ है। और इसमें एक बात जो है काबिल गौर है वो ये कि हम इसमें फ़िलहाल मोटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बाद में जब कैलकुलेशन थोड़ा हम सिंपली प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जब हम बाद में थोड़ा एक्चुअल सिचुएशन की तरफ आएंगे तो हम इसमें मोटर इन्वॉल्व करेंगे। सो ये हमारे साथ वही दीवार है, उसके लिए हम अब कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें कितनी ब्रिक्स इस्तेमाल होंगे, तो इसके लिए हमें पहले इस दीवार की वॉल्यूम चाहिए होती है। तो दीवार की वॉल्यूम आपके साथ वॉल्यूम ऑफ वन वॉल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ये असल में क्यूब या क्यूबाइड का फार्मूला है। किसी क्यूब या क्यूबाइड का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम पहले हम क्या करेंगे, इस दीवार की आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो लेंथ विड्थ और हाइट इसमें आप फीट में सब सब्स्टिट्यूट कर लें, ये वाले वैल्यूज ये लेंथ है, सॉरी ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी आपके साथ हाइट है। तो ये चीज़ें आप इसमें पुट कर लें तो आपके साथ वॉल्यूम ऑफ वन वॉल बिकम्स 144 क्यूबिक फीट। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें कितने ब्रिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसके लिए हम पे इसका जो ब्रिक है उस ब्रिक का भी वॉल्यूम के पहले फाइंड करेंगे। तो ब्रिक का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी आपके साथ जो है क्यूब बन रहा है या क्यूबाइड बन रहा है, तो इस केस में आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर ले, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। सो इसका वॉल्यूम इसमें आप जो है ये वैल्यूज 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4.5 इसको आप फीट में कन्वर्ट कर ले, तो डिवाइड बाय 12 कर ले इन वैल्यूज को, तो आपके साथ फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक बिकम्स 0.07031.25 क्यूबिक फीट। अब हम नंबर ऑफ ब्रिक कैसे फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए आपके साथ वॉल्यूम ऑफ वन वॉल भी हमने फाइंड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक भी फाइंड कर लिया। सिंपल वैल्यू डाल लें, वॉल्यूम ऑफ वन वॉल हमारे साथ आया था 144 क्यूबिक फीट एंड वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक वाज 0.07032.15 क्यूबिक फीट। सिंपली डिवाइडिंग द वैल्यूज और इससे आपके साथ नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक एक दीवार में कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 2408 क्यूबिक फीट, सॉरी 2408 नंबर ऑफ ब्रिक्स इसमें रिक्वायर्ड, यानी इस दीवार को बनाने के लिए हमारे साथ इतने ब्रिक्स चाहिए होती है। अब हमारे साथ ये एक दीवार है और कमरे में आपके साथ चार दीवारें हैं, तो सिंपल हमारे साथ इसमें कोई विंडो वगैरह कोई ओपनिंग हमने इसमें कंसिडर फ़िलहाल नहीं किया है, सिंपल सिचुएशन है। तो हमने क्या किया है, सॉलिड वॉल है तो आपके साथ चार दीवारें, तो सिंपल चार दीवारों के कितने होंगे, तो 4 × 2048, तो आपके साथ चार ब्रिक्स चार दीवार के लिए आपके साथ इन नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए होती है। अभी हमारे साथ थोड़ा इससे एडवांस हम चले गए कि इसमें आपके साथ एक दीवार में आपके साथ एक विंडो है और उस विंडो के आपके साथ 5 फीट उसकी लेंथ है और 4 फीट उसकी हाइट है और थिकनेस जो है वो सेम है, जैसे जैसे जैसी दीवार की थिकनेस है उसी तरह ये विंडो की भी वही थिकनेस है, यानी 9 इंच थिकनेस है। हमने इस दीवार को कंसीडर कर लिया, ये इसकी जो है डायमेंशन है 12 फीट हाइट 16 फीट लेंथ और 9 इंच इसकी थिकनेस है। इसी तरह इसकी भी डायमेंशन 5 फीट लेंथ 4 फीट हाइट और थिकनेस भी इसकी 9 इंच ही है या 0.75 फीट है, 9 / 12 0.75 फीट। सो इसमें भी वही ब्रिक्स इस्तेमाल होंगे जो इससे पहले हमने इस्तेमाल किए सॉलिड वॉल्स के लिए और कोई मोटर फिलहाल हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे साथ इस ग्रीन जो वॉल है इससे हम क्या करेंगे, इस ओपनिंग या विंडो के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। इस ग्रीन के जो हमने इससे पहले इसके वॉल्यूम जो फाइंड किया था इस ग्रीन वॉल का, उससे हम क्या करेंगे, इस विंडो या ओपनिंग के वॉल्यूम को माइनस करेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इस ग्रीन वॉल का वॉल्यूम फाइंड किया था, अब इस ब्लू विंडो या ओपनिंग के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन विंडो इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 5 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 4। लेंथ विड्थ हाइट हमने पुट कर लिए, सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो हमारे साथ वॉल्यूम ऑफ विंडो 15 क्यूबिक फीट आ गई। अब हमारे साथ ये वॉल्यूम ऑफ परफोरेटेड वॉल, ये जो ग्रीन वॉल है, ये सॉलिड नहीं, ये परफोरेटेड वॉल जिसमें ये सुराख ये ओपनिंग है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे साथ सॉलिड वॉल की वॉल्यूम 144 थी, इससे हमने विंडो की वॉल्यूम को माइनस कर लिया, तो हमारे साथ परफोरेटेड वॉल की वॉल्यूम 129 क्यूबिक फीट आ गई। अब बाकी वही तरीका है, हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ परफोरेटेड वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक हमने पहले फाइंड किया था, इस आप इसे फाइंड भी कर सकते, 3 × 9 मल्टीप्लाई 4.5, और इसको जो है फीट्स में कन्वर्ट कर ले पहले। तो नंबर ऑफ ब्रेक्स इज इक्वल टू 129 बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक, तो इसके साथ आपके साथ नंबर ऑफ ब्रेक्स 1835 जो है नंबर आ गए, सही है। तो अगले जो है इसके अगले जो इस्टीमेशन स्लैब की इस्टीमेशन के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए मैं जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो फिलहाल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियोस के लिए प्लीज़ अपने बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप मेरे न्यू वीडियो आपको आसानी से पहुंच सकें।